नहीं बोले तो फांसी देने के बाद से कौन सी जगह रही तो भी वो अच्छा होता, क्योंकि यार 100-200 लोग आए पूरे कर को खाने वाले, वही करना पड़ता। करना क्या, हम फुटपाथ वाले गरीब बच्चे हैं, घर चलाने वाले हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ है कुछ फाइनेंस से पैसे ले हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ घर में अकेला जिम्मेदार आदमी है। कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा थोड़ी जगह दीजिए हमको कि हम कारोबार कर सके, रोज कर खाने वाले हम लोग, बहुत तकलीफ हो रही है। तो रोड छोड़ के हम कहाँ जाएंगे साहब, रोड के अंदर भी लगा रहे हैं तो भी आप जो है ना मत बोल के बंद करने लगा आज। ये तो रहती भाई पहले बताना, ये जगह नहीं है तुम्हारे को दूसरी जगह बैठो बोल को, तो ये तो बताए तो हम जाके वहाँ तो बैठते हैं, अब यहाँ से उठाए तो हम कहाँ जाना ये बताओ। सर्कल साहब परमिशन भी दिए थे ठहरो बोल कर लाइन के अंदर, फिर भी ठहरे हम, फिर भी आज आकर उठाकर प्लास्टिका बिलास्टिका टेबला बिबला सब डाल लेकर गए। नौकरी नहीं है, बीवी बाल बच्चे घर, सुबह आओ के शाम में गए तो घर को चलाने पैसे होना, सब कहाँ से चलेंगे घर। चप्पल मार्केट टांगा स्टैंड में जो फुटपाथ पे कारोबार करते थे हम लोग को आज अचानक उठाया गया, और इसकी वजह भी नहीं बताए, आए भी नहीं, हमको बोले भी नहीं उठाओ बोल के, कुछ बोले नहीं, स्टान परनिया पूरे फाड़ के चले गए और लेके चले गए कारपोरेशन की गाड़ियों में डाल के लेके चले गए। तो हमको एक ये भी नहीं पहुँचे कि मैसेज कि हमको यहाँ से उठाओ, कल से नहीं बैठना, हम कहाँ जाना बताओ अगर यहाँ से उठाएंगे तो। एक ये तो रहती भाई पहले बताना, ये जगह नहीं है तुम्हारे को दूसरी जगह बैठो बोल को, तो ये तो बताए तो हम जाके वहाँ तो बैठते हैं, अब यहाँ से उठाए तो हम कहाँ जाना ये बताओ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम एक करने वाले हैं, खाने वाले बहुत हैं और यहाँ ऐसे हैं पूरे गरीब, बोर गरीब हैं समझो, कर को खाने वाले पूरे गरीब हैं, 200-300 रुपये में काम करते हैं, और बोले तो एक जना कमाया तो घर चले जैसा, उसका दूसरा कुछ भी सहारा नहीं है, और यहाँ से सुबह से शाम तक करे तो 300 रुपये मिलते हैं, आप ऐसा अचानक उठाए बगैर बोले के तो क्या करना, ये पूछना चाह रहे हैं हम। अब यहाँ से उठाए तो हमको कम से कम गवर्नमेंट नौकरी तो दिए तो अच्छा होता, नहीं बोले तो फांसी देने के बाद से कौन सी तो जगह रही तो भी वही अच्छा होता, क्योंकि यहाँ 100-200 लोग आए पूरे कर को खाने वाले, वही करना पड़ता। जो फुटपाथ पर जो धंधा करते हैं हम लोग, आज सुबह से बहुत तकलीफ़ हो रही है हमको, जो फुटपाथ पर कारोबार करते हैं, जो हमको रोड के अंदर ठहरे बोलकर जो परमिशन मिली थी वही हिसाब में ठहर रहे थे हम, जो आज पूरा लोगों को उठा दिए सामने बैक साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ से बहुत तकलीफ़ हो रही, 300-400 जने कर खाने वाले हैं। तो मैं कमिश्नर साहब से, SP साहब से, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा थोड़ी जगह दीजिए हमको कि हम कारोबार कर सके, रोज़ कर खाने वाले हम लोग, बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर। पहले कारोबार जैसा पहले कारोबार था, ये लॉकडाउन जब से कारोबार वैसा नहीं है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कमिश्नर साहब से कि हमको थोड़ा थोड़ा जगह दीजिए और स्पेस रखकर हम कारोबार करेंगे और पब्लिक का ख्याल रखकर हम काम करेंगे। ये कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स के सामने जो चप्पल बाज़ार वो जो है, ये फुटपाथ पे जो गाड़ियाँ लगाने के लिए जो लिमिट दिए थे वहाँ पे भी ठहरे तो ठहरने नहीं दे रहे, आज पूरा उठा दिए हैं। तो रोड छोड़ के हम कहाँ जाएंगे साहब, रोड के अंदर भी लगा रहे हैं तो भी आप जो है ना मत बोल के बंद करने लगाए आज। तो हम लोग जो है ना रोज़ कर खाने वाले अब कैसा करेंगे आप। तो एक जो अंदर लेके भी लगा रहे थे दुकानों के सामने, वो दुकान वालों को भी ये हो रहा था, फिर भी उनके मेहरबानी से ठहर रहे थे, फिर भी वहाँ पे भी ना ठहरो बोल रहे तो कहाँ जाना साहब, नौकरी नहीं है, बीवी बाल बच्चे घर, सुबह आओ के शाम में गए तो घर को चलाने पैसे होना, साहब कहाँ से चलेंगे घर। हाँ के लिए निकाले हम लोग जी, वो कहीं के लिए, खाली रोड के लिए, रोड के अंदर ठहरो बोल के बोले थे, रोड के अंदर भी ठहर रहे, रोड के अंदर ठहरे तो भी फिर आज वो भी नहीं बोल रहे, तो कहीं के लिए वही, वो क्या है वजह वो कुछ मालूम नहीं हो रहा है साहब। वही ऐसा करेंगे तो कैसा करके खाएंगे गरीब लोग, किसी को नौकरी नहीं है, ना कोई नौकरी देता है किसी को, ना कोई बरसात का है, फिर भी ऐसा ही भी करके चला रहे हैं हम, जो भी है शाम तक जो भी हुआ जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बोल के चला रहे थे। यहाँ पर फुटपाथ पे कारोबार करते हैं 300-400 जने टोटल, 300-400 जने पर आकर उठाए, इधर भी बैठो बोले थे लाइन के अंदर बैठे, उधर भी लाइन के अंदर बैठे थे, मगर फिर भी उठाने लगे, क्यों उसकी वजह मालूम नहीं पड़ी अभी तक। सर्कल साहब परमिशन भी दिए थे ठहरो बोलकर लाइन के अंदर, फिर भी ठहरे हम, फिर भी आज आकर उठाकर प्लास्टिका बिलास्टिका टेबला बिबला सब डाल लेकर गए, हम करना क्या, 300-400 जने साहब, एक दो जने रहे तो क्या, तो 300-400 जने हम कुछ करना क्या, आप बोलो, आप इसका रीज़न बताओ, हम बोलना चाहते हैं और करना क्या, हम फुटपाथ वाले गरीब बच्चे हैं, घर चलाने वाले हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ है कुछ फाइनेंस से पैसे ले सो हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ घर में अकेला जिम्मेदार आदमी है, कौन छोटा बच्चा है, कौन बीबी बच्चों वाला है, कोई बहनों की शादी करने वाला, हर कोई कुछ तो कुछ रीज़न है हर घर में, मगर हर घर में ऐसा कोई पैसे वाला नहीं है फुटपाथ पे पूरे घर को खाने वाले, एक भी ऐसा पैसे वाला नहीं है।